हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिका जॉब अलर्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, हम आपके लिए जॉब नोटिफिकेशंस के अलावा स्टडी मटेरियल वगैरह लेके आते रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के हों या किसी और स्टेट गवर्नमेंट के हों या फिर नेशनल लेवल के एग्जाम हों, तो दोस्तों ये जो वीडियो आपके लिए आज लेके आए हैं, ये डर्डो की तरफ से है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोस्तों पीछे वैकेंसी आई थी एमटीएस के लिए, 1817 वैकेंसीज थी जो टोटल फिल हुई थी। तो दोस्तों, इसमें लास्ट डेट थी इसकी 23 जनवरी 2020। अभी दोस्तों इसका एग्जाम होना था अप्रैल और मई में, तो ये कोरोना की वजह से जो है पोस्टपोन हो गया एग्जाम दोस्तों। तो अभी जो डर्डो है बहुत ही जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है दोस्तों। डर्डो के जो हेड है उनकी तरफ से न्यूज आई है, तो उन्होंने यही कहा है कि एग्जाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट होगा। तो आप अपनी तैयारी में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो तैयारी को डबल कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स ने ये फिल किया है। तो अगर दोस्तों आपको डर्डो में एमटीएस बनना है, तो अपनी तैयारी डबल कीजिए। और हम आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आए हैं दोस्तों। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो टॉपिक टू टॉपिक है, जो भी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आने हैं डर्डो में, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं हमारे स्टडी मटेरियल में। तो ये आपको ई बुक्स मिलेंगी दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जाएगा, या फिर अगर आप मेल पे फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं तो मेल हो जाएगी दोस्तों। तो ये पेड मटेरियल है, बहुत ही कम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। इतने कम प्राइस में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। तो अगर आप स्टडी मटेरियल हमारा लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमें व्हाट्सएप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। और आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता दें, तो दोस्तों क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरी डिटेल आपको देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो टीयर वन का एग्जाम होना है, उसके मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइज किए जाएंगे, जैसे रेलवे में नॉर्मलाइज किए गए थे पीछे, तो वैसे ही इसके मार्क्स भी नॉर्मलाइज किए जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों, जो आपको फॉर्मेट आना है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे दोस्तों। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपको पहले ही बता दें कि कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है एमटीएस का। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मीडियम रहेगा एग्जाम का, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। वहां पे आपके पास चॉइस होगी कि आपने कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन वगैरह देखने हैं या आंसर देने हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, वो टीयर वन के लिए 40% फॉर जनरल ESM एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 35% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो ये आपने जो कट ऑफ है ये अचीव जरूर करनी है, क्योंकि अगर इससे कम रह गए आपके मार्क्स तो कोई बात नहीं बन पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, टीयर वन से जो कैंडिडेट हैं वो 1:10 की रेशो से जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 1:10 है दोस्तों, इसका मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट है जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो शॉर्टलिस्टिंग आपकी होनी है। तो दोस्तों, सिलेबस नोट कर लीजिए। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके तीन सेक्शन आने हैं बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो चार्ट बना हुआ है। तो इसमें दोस्तों तीन सेक्शन है आपके बेसिकली टीयर वन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज के 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स, वन मार्क फॉर वन क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं टीयर वन में, वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो आपकी ड्यूरेशन की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो 90 मिनट आपकी टाइमिंग रहेगी। तो दोस्तों, अगर बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय आपके पास रहेगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से इसकी प्रेपरेशन करनी है दोस्तों। अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिए, अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर ज़्यादा जोर दीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों, जो इसका टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल आपको रीजनिंग आने वाली है। सबसे पहले रीजनिंग में बात करें दोस्तों, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, मैट्रिक्स,
वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें आपकी पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी दोस्तों। हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इन टॉपिक्स के बेसिस पे है, जो कि ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई और इंडिया लेवल का एग्जाम हो। तो ये क्वेश्चन हर पेपर में आते ही आते हैं इन टॉपिक्स में से पक्का। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स होगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपके स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री होगी, डांस एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी होगी दोस्तों, इकोनॉमिक सीन हो गया, जनरल पॉलिटी होगी दोस्तों, अवार्ड्स हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपकी आनी है दोस्तों करंट अफेयर्स में, तो और स्टैटिक GK भी आनी है। तो ये टॉपिक भी हमारे स्टडी मटेरियल में है जो कवर हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो आगे बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, तो इसमें बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स आपके चाहिए, जिसमें आपका नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप एट्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में या क्वांट में आ जाते हैं, तो ये सारे आपको कवर मिलेंगे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के, इनके आपको MCQs मिलेंगे, MCQs सॉल्वड MCQs मिलेंगे दोस्तों, और सॉल्व करने का जो ट्रिक है, जो तरीके हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे दोस्तों। तो इससे अच्छा आपको स्टडी मटेरियल कहीं पे नहीं मिल सकता, पूरे यूट्यूब पे इससे सस्ता नहीं मिल सकता दोस्तों। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है दोस्तों, 9501867264। दोस्तों बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते रहते हैं हमेशा। और जिन 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 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनको ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।